ए और बी वेरिएबल नहीं है, कॉन्स्टेंट, ठीक है, ए और बी के फॉर्म में आ सकता है, नहीं ध्यान दें आपको क्या दे रखा है कि पी ए और टी बी ए आपको टी का लोकस, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं कैसे फाइंड करें ये डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा वो भी नहीं पता, सिर्फ ये पता है कि इन दोनों का रेशियो कितना है, ठीक है। अब देखिए क्या करता हूँ, दो तरीके से, एक तो मैं क्या कर लेता हूँ उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूँ एक्स एक्सिस के पैरेलल, अगर ये एंगल थीटा है ये एंगल भी थीटा होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल ये एंगल, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं एच कॉमा के, एच कॉमा के, अब ये कितनी है वैल्यू है बी, ये कितनी है ए, और ये कितना हुआ के हुआ, और ये कितना हुआ एच ओ सी, अब इन दोनों का रिलेशन कैसे आएगा, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन से आएगा, साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कितना हुआ ए बाई ए, ये बात समझ आई, और इन दोनों का रिलेशन कैसे आएगा और सीधा कैम क्या होगा एच वाई, अब सीधा तो हमने ही बोल दिया, क्या करेंगे दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर दो, सीधा हट जाएगा, दोनों का स्क्वायर किया प्लस कर, ये मिला आपको एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और टू वन, अब एच और के की जगह क्या लिखना है एक्स और वाई, ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये है लोकल, किसी को डाउट हो तो आपको क्या गिवन है,
दो पॉइंट है ई कॉमा जीरो और माइनस ए कॉमा जीरो। आर है वो एक वेरिएबल पॉइंट है अबाउट द एक्स एक्सिस और आर पी क्यू माइनस आर क्यू पी है वो पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है टू है प्रोपोस ऑफ आर स्क्वायर। ये ए कॉमा जीरो और ये माइनस ए कॉमा जीरो। आर कहीं पे यहाँ पर होगा कहीं भी हो सकता है ऊपर ही है हम इसको ज्वाइन करें। आर पी क्यू आर पी क्यू ये इस एंगल का नाम थीटा बन देता है और आर पी पी ये थीटा टू इन दोनों का डिफरेंस है वो कितना है थीटा और माइनस थीटा इक्वल टू। अब हमको लोकस पूछा है किसका आर ये हमने लेट किया एच कॉमा पी। पुरानी जो चीज़ें आपने पढ़ी है पहले उसको लिंक करके बताओ क्या हो सकता है ध्यान रखना हमको रिलेशन चाहिए एच और के का ठीक है और थीटा वन माइनस थीटा टू हमको पता है ठीक है क्या काम करेगा। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ 90 डिग्री होगा और ये हाइट कितनी होगी के हाइट कई होगी ठीक है। अगर मैं आपसे टेन थीटा वन पूछता हूँ तो आप क्या बताओगे
करोगे इससे आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई और टू ए इक्वल टू ए, ऐसी इक्वेशन मिलेंगे। जब इसको वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन मिलेगी लोकस को। अब ये करके बताइए, लोकस क्या हो, या किसी ने आपको ये पी पॉइंट की कोऑर्डिनेट गिवन है और इसी का लोकस फाइंड करना है, जिसका लोकस फाइंड करना होता है उसके कोऑर्डिनेट को क्या लेट करते हैं, तो पी के कोऑर्डिनेट क्या होगा एच कॉमा, और हमको क्या गिवन है ये, तो एच किसके इक्वल होगा ए और पी का, और वाई किसके इक्वल होगा तो ए ए होगा। अब मैंने क्या बोला है थीटा है वो क्या है वेरिएबल है, तो इसको हटाना होगा, ये हो जाएगा एच बाई ए इक्वल टू कॉस थीटा और के बाय बी इक्वल टू साइन थीटा। अब इसके आगे मुझे बताने की जरूरत है क्या करूँ, स्क्वायर करके ऐड करूँ क्या मिलेगा, एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ठीक है, लोकस क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ये इस पी पॉइंट का लोकस। जब हम इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा इंग्लिश के हर पॉइंट के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ये होते हैं। ये आपको समझ में आया तो ये तो करके बताइए आप।
ट्रांसलेट किया होगा, ये होगा आपका। तो आपको पता है इन दोनों पर डिफरेंस करूंगा तो मुझे डी मिल जाएगा। के माइनस एच क्या होगा, के माइनस एच क्या मिलेगा, टू डी। क्या हुआ डिफरेंस तो आपको पता है ना, इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, फिर भी नहीं बता जो भी है, से इसको माइनस करो, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, जैसे माइनस ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी माइनस वन हो जाएगा, तो ये टी स्क्वायर ये कैंसिल, ये वन वन कैंसिल, और टी और माइनस माइनस टी टू टी हो जाएगा, ये टू टी, तो टी कितना हुआ, ए माइनस एच स्क्वायर। अब आपके पास एच की वैल्यू ये है, के की वैल्यू ये है, इनमें से किसी में भी टी की वैल्यू पुट कर दो। जैसे आपने बोला कि एच इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन, टी की वैल्यू ये नहीं पुट कर दो, एच इक्वल टू ए माइनस एच बाई टू होल स्क्वायर माइनस ए माइनस एच बाई टू एच प्लस वन। क्या पूरी की पूरी इक्वेशन एक्स और के में कन्वर्ट हो गई, वैसे के की जगह एक्स और वाई लिख दो, जो कर ट्रांसलेशन ऑफ वन। मैं आपसे पूछता हूँ अगर मैं इसको टू यूनिट से राइट साइड शिफ्ट करूँ तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होगा, टू यूनिट से राइट साइड शिफ्ट करता हूँ फाइव कॉमा फोर हो जाएंगे। इसी को अगर मैं फोर यूनिट लेफ्ट साइड शिफ्ट करता हूँ तो क्या होगा, माइनस। अगर मैं इसको फाइव यूनिट से डाउन शिफ्ट करूँ तो और वन यूनिट से आपको दो। तो आपने एक चीज़ देखी, आपने फटाफट बता दिया कि अगर मैं लेफ्ट और राइट जाता हूँ तो सिर्फ एक्स चेंज नहीं, वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं, और अप एंड डाउन जाओ तो वाई चेंज होगा, एक्स चेंज नहीं है। समझ में, इसी को बोलते हैं ट्रांसलेशन, क्लियर है।
ट्राइंगल है उसकी तीनों वर्टेक्स आपको गिवन है, ये तीनों वर्टेक्स है, ये 21.0 और ये 0.21 ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है इसमें इंटीजर पॉइंट, इसमें बहुत सारे पॉइंट होंगे ट्राइंगल के, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे बहुत सारे, तो आपको सिर्फ इंटीजर पॉइंट्स पता है। जैसे इंटीजर पॉइंट्स, इंटीजर पॉइंट्स का मतलब जिसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या हो, इंटीजर ही हो, जो ट्राइंगल के बीच में ही, ट्राइंगल पे नहीं हो या ट्राइंगल के बाहर नहीं, इसके बीच में ही कहीं ना कहीं। ये जो लाइन है इसका हर पॉइंट x प्लस y इक्वल टू 21 के इक्वल होगा, दोनों x और y कोऑर्डिनेट का सम है 21, ये बात समझ आई। अब अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 1.1 1.2 है 1.3 है 1.1 है 2.1 है 3.1 है 4.1 है अप टू 20.1, तो 20.1 तो इसका आ जाएगा, दोनों का सम 20 वो देखिए समझ आ रहा है। फिर से बताऊं 1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 अप टू 20.1 जो कि इस पे आ जाएगा, तो उसको काउंट मत करो। तो 1.1 से लेके और 19.1 तक ये सारे के सारे पॉइंट्स कैसे हैं, इंटीजर वाले जिसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, और वो इस ट्राइंगल के अंदर है। दूसरा यहाँ से 1.2 2.2 3.2 4.2 इस तरह से वो भी पॉइंट्स आएंगे, फिर और आगे बढ़ो वो पॉइंट्स आएंगे, वो सभी पॉइंट का सम कितना होगा, ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब वो अब क्या करते हैं, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, ध्यान दें, और इसके पैरेलल एक लाइन ये रेक्टेंगल बन, हमको ये 21 नहीं चाहिए तो हम यहाँ से बनाएंगे ये और ये 20, मुझे बताना कि यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक टोटल कितने पॉइंट्स, 400 पॉइंट्स हैं वो इधर इधर और इधर सब मिला के, ठीक है। इसमें वो पॉइंट भी आएंगे जो इस लाइन पे, वो पॉइंट भी आए, तो इस लाइन पे कितने पॉइंट्स होंगे कौन बताएगा, कितने पॉइंट्स होंगे, ओनली 20 पॉइंट होंगे इसका, जैसे 21 तक नहीं जाना है, 0 से 20 और इधर भी 0 से 20, तो सिर्फ कितने पॉइंट्स होंगे 20, इसमें से 20 पॉइंट्स को माइनस किया, कितने पॉइंट्स हुए 380, अब इसका हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा, कितने पॉइंट्स मिलेगा, क्या ये बात समझ आई, जाओ किसी को
पॉइंट है इधर ए कॉमा बी, ठीक है। इसका रिफ्लेक्शन सही है अबाउट एक्स एक्सिस, क्या आएगा कौन बताएगा? अभी बताया क्या होगा, ये इधर पॉइंट अगर आएगा तो क्या चेंज होगा? वाई कोऑर्डिनेट एक्सचेंज नहीं होगा, इसका रिफ्लेक्शन इधर आएगा ए कॉमा माइनस ऑफ, यही बात समझ आई। और अबाउट वाई एक्सिस इसका रिफ्लेक्शन इधर क्या आएगा? जैसे मान लो कोई पॉइंट है वन और ये वन, ये टू, ये वन कॉमा टू इधर है, उसका रिफ्लेक्शन इधर आएगा, वो हो जाएगा टू कॉमा वन, ये वन कॉमा टू, टू कॉमा वाई इक्वल टू एक्स के, तो ए और बी आपस में कैसे हो जाता है इंटरचेंज। तो ये अगर ए कॉमा बी है तो इधर आ जाएगा बी कॉमा, क्या ये बात समझ आई? तो जब भी आपको रिफ्लेक्शन की बात है अबाउट वाई इक्वल टू एक्स, तो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट को आपस में इंटरचेंज करें, समझ आया? अब बताइए क्या मिलेगा? ये पॉइंट बन जाएगा, समझ आया सबको? और फोर कॉमा वन से क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस में वन कॉमा फोर हो जाएगा, और फिर राइट में टू यूनिट तो कितना हो जाएगा? थ्री कॉमा फोर, समझ आया सबको? ये पता हम पॉइंट को अगर मूव करें, अगर हम ये एक्स और वाई एक्सिस को ही मूव करा दें तो क्या हो?
एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो ओरिजिन था 0, 1, इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ ले जाऊँ, ठीक है। अब ये नया वाला x एक्सिस हो गया और ये नया वाला y, पॉइंट तो वही है, पॉइंट चेंज नहीं किया, ये आपका नया वाला x एक्सिस, ये x एक्सिस और ये नया वाले को कैपिटल से लिखो, ये आपका y एक्सिस और ये कैपिटल y एक्सिस। क्या ये बात समझ आई आपको? या क्या किया आपने, इस ओरिजिन को कहाँ उठा के लेके गए, इधर x कॉमा k, x कॉमा k पॉइंट पे उठा के लेके। अब इस पॉइंट के, इसी पॉइंट पे नए वाले कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेट होंगे वो है कैपिटल x कॉमा कैपिटल y, ठीक है। अब इन दोनों का रिलेशन क्या होगा ऊपर, सबसे पहले ये डिस्टेंस कितनी होगी और बताएगा पुराने वाले के अकॉर्डिंग है तो x होगी, क्लियर है। अब ये डिस्टेंस कितनी होगी और ये कितनी है h, ठीक है। h हुई, अब ये डिस्टेंस पूरी की पूरी, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, स्मॉल y है ना, और नए वाले के अकॉर्डिंग ये कितनी होगी कैपिटल y, क्या ये बात समझ आई। और ये डिस्टेंस कितनी है, तो आप देखिए स्मॉल x इक्वल टू एच प्लस कैपिटल x, क्या ये बात समझ आई, ये इक्वल टू एच प्लस कैपिटल x और स्मॉल y इक्वल टू है आपके नए और पुराने कोऑर्डिनेट का, ठीक है। अगर आप किसी भी एक्सिस को या ओरिजिन को किसी पॉइंट पे मूव कराते हो तो नए एक्सिस के अकॉर्डिंग आपके क्या कोऑर्डिनेट होंगे वो यहाँ से फाइंड करो। अगर आपको कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई चाहिए तो उसको उधर शिफ्ट कर दो, कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एच और कैपिटल वाई इक्वल टू स्मॉल वाई माइनस ए, ठीक है। ये बोलना मत, ये ध्यान रखना h प्लस कैपिटल x है ये रिलेशन, सब भी बिल्कुल मत रखना।
देखो आप बस इसको, इसमें किसी को डाउट है, स्मॉल एक्स इक्वल टू होता है कैपिटल एक्स प्लस एच और स्मॉल वाई इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। तो आपको क्या दे रखा है, ये पुराने वाले कोऑर्डिनेट है 4.5 मतलब इस एक्स की जगह 4 और इस वाई की जगह 5। नए वाले कोऑर्डिनेट क्या बन गए, -3 और 9 जो कि -3 प्लस एच और 9 प्लस के। यहाँ से आप एच निकालो तो क्या मिलेगा आपको 7 और के निकालो तो क्या मिलेगा आपको -2। तो 7 और -4 पे अगर आप शिफ्ट करोगे ओरिजिन को तो ये नए वाले कोऑर्डिनेट बनेंगे।
एक लाख तो नहीं पड़ेगा, ठीक है? एक लाख तो नहीं।